नमस्ते फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रेणुका और आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, सर्दी के मौसम की एक कॉमन बीमारी होती है खांसी आना या कफ आना, और आजकल जो खांसी चल रही है वो सूखी खांसी चल रही है। इसमें पेशेंट को खांसी के दौरान या कफ के दौरान बलगम नहीं निकलता है, वो जमा हुआ महसूस होता है पर निकल नहीं पाता है। इसके कारण पेशेंट को गले में या थ्रोट में ड्राइनेस या सूखापन फील होता है, और जब पेशेंट बार बार खांसी करता है तो उसको छाती में और उसको गले में खिंचाव महसूस होता है, और यदि इस खांसी के ठसके या पैरोक्सिज्म बढ़ जाते हैं तो पेशेंट को छाती में और गले में दर्द भी महसूस होने लगता है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक होम्योपैथिक मेडिसिन ब्रायनिया एल्बा के बारे में। यह हमारे शरीर की सूखी खांसी पे बहुत अच्छा काम करती है, और इसके अलावा भी शरीर के दूसरे हिस्सों पे इसका बहुत अच्छा रोल है दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं ब्रायनिया एल्बा की पूरी ड्रग पिक्चर के बारे में, और हम समझेंगे कि हमारे शरीर के किस किस हिस्से पर ये कैसे काम करती है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। ब्रायनिया एल्बा वाइल्ड क्रॉप से बनी हुई एक ऐसी मेडिसिन है जो हमारे शरीर के म्यूकस मेम्ब्रेन पे बहुत अच्छा काम करती है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे शरीर में जहाँ जहाँ म्यूकस मेम्ब्रेन है वहाँ इस मेडिसिन का रोल शुरू हो जाता है। यदि पेशेंट को ठंडी हवा में जाने में या ओपन एयर में जाने के बाद या किसी भी इन्फेक्शन होने के कारण थ्रोट में इरिटेशन होने लगता है, गले में उसको खिचखिच महसूस होती है, या उसकी आवाज़ चेंज हो जाती है, उसमें हॉसनेस आ जाती है या खड़खड़ाहट आ जाती है, तो यदि इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं और पेशेंट को सोनेस भी फील हो रही है साथ में, और पेशेंट को गला ऐसा चिपका हुआ सा महसूस होता है, उसको बहुत ड्राइनेस फील होती है, इस सूखेपन या ड्राइनेस के कारण पेशेंट के गले में उसको ऐसा फील होता है कि कुछ अटक गया है और वो उसे कफ के थ्रू बाहर निकालने की कोशिश करता है, इससे उसके गले में चुभन महसूस होने लगती है, उसे पेन होने लगता है, और ड्राइनेस के बढ़ने के कारण पेशेंट को पानी की प्यास भी बहुत ज़्यादा लगने लगती है। धीरे धीरे ये ड्राइनेस गले से उतरकर ट्रेकिया से होती हुई चेस्ट में फील होने लगती है, और पेशेंट को छाती में बहुत भारीपन महसूस होता है, और इसके कारण उसको ब्रीथलेसनेस की शिकायत हो जाती है, उसको सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। चेस्ट में भारीपन होने के कारण पेशेंट लेट नहीं पाता, उसको बार बार उठकर बैठना पड़ता है कफ करने के लिए या खांसी करने के लिए। खांस खांस का जो चेस्ट होता है वो वीक हो जाता है, उसकी मसल्स वीक हो जाती हैं, और पेशेंट को अपने हाथों से अपने चेस्ट को सपोर्ट करना पड़ता है जिससे कि उसको खांसने में तकलीफ ना हो या दर्द ना हो। इस तरह की सूखी खांसी में पेशेंट को ब्रायनिया एल्बा 200 की पावर में दिन में 2 बार 7 से 10 दिन तक देना चाहिए। और दोस्तों, होम्योपैथिक मेडिसिंस को लेते हुए हमेशा एक बात याद रखना चाहिए कि कोई भी मेडिसिन बहुत लंबे समय तक नहीं लेना चाहिए। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ब्रायनिया एल्बा हमारे शरीर की म्यूकस मेम्ब्रेन पर बहुत अच्छा काम करती है, इसलिए यह दवाई हमारी आहार नली या गट की म्यूकस मेम्ब्रेन पर भी बहुत अच्छा काम करती है। दोस्तों, जब म्यूकस मेम्ब्रेन में ड्राइनेस आ जाती है उसके कारण पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो जाती है, उसका स्टूल हार्ड होता है या कभी कभी होता ही नहीं है, और उसके साथ उसको ब्लीडिंग भी शिकायत शुरू हो जाती है, तो यदि इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं तो वी कैन गिव ब्रायनिया एल्बा। और इसमें भी आपको पावर 200 ही रखनी है, दिन में 2 बार 10 से 15 दिन तक ले सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन की या कब्ज की सीवीटी के हिसाब से 10 दिन मेडिसिन लेके 10 एक दिन का ब्रेक करके फिर आप 10 दिन तक रिपीट कर सकते हैं, लेकिन मैं फिर से कहूँगी बहुत लंबे समय तक होम्योपैथिक मेडिसिन नहीं खाना चाहिए। खांसी और कब्ज के साथ साथ ब्रायनिया एल्बा हमारे शरीर के जोड़ों पर भी बहुत अच्छा काम करती है। दोस्तों, जब शरीर के ड्राइनेस के कारण हमारे शरीर के जोड़ों में जकड़न आ जाती है या स्पेशली नी जॉइंट का लुब्रिकेशन कम हो जाता है तो पेशेंट को वहाँ पे दर्द होने लगता है, सूजन आने लगती है, और उसको ऐसे स्टिचिंग चुभन सेंसेशन वाला पेन या दर्द होना शुरू हो जाता है। तब यदि इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं तो ब्रायनिया एल्बा 200 की पावर में दिन में 2 बार
15 दिन तक दे सकते हैं, फिर 7 दिन का गैप करके ऐसे 15 15 दिन तक 3 4 बार रिपीट कर सकते हैं। दोस्तों, ब्रायोनिया एल्बा पे बनाया हुआ यह वीडियो यदि आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है और आपके किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प मिली है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, माई वीडियो। थैंक यू।